वेलकम टू रोशी हयात किचन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हम बनाएंगे चिकन बिरयानी देग वाली, जो आप शादी वगैरह के मौके पर खाते हैं, जो बहुत टेस्टी लगती है देग वाली बिरयानी। इसके लिए 500 ग्राम्स राइस लिए हैं, चावल इसको आधे घंटे के लिए पानी में सोक कर दिया है, 700 ग्राम्स चिकन लिया है, थोड़ा सा साबुत गरम मसाला लिया है मैंने, यानी कि होल गरम मसाला, ब्लैक पेपर कॉर्न है, मेस है, जावित्री, क्लोव्स है, लौंग, ग्रीन कार्डमन है, हरी इलायची, सिनेमन स्टिक्स है, दालचीनी, तेज़पत्ता है, बे लीफ, यहाँ पे अनियंस लिया है मैंने। इसको हम फ्राई करेंगे। अगर आपके पास फ्राइड ब्राउन अनियंस हैं तो आप इसको यूज़ मत करिए, वही यूज़ करिए। टमाटर लिया है, 10 टमाटो, ग्रीन चिली है, हरी मिर्च, दही लेंगे, कर्ड, जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट है, लहसुन और अदरक का पेस्ट, नमक है, दैट सॉल्ट, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर लिया है, लाल मिर्च का पाउडर, ये ऑप्शनल है। अगर आपको स्पाइसी कम पसंद है तो आप इसको प्लीज़ अवॉइड कर दीजिए। डेसिकेटेड कोकोनट है, यानी कि गोले का बुरादा, संदल का बुरादा, दैट चंदन पाउडर, थोड़ा सा घी लिया है यहाँ पर, ऑरेंज फूड कलर है, ऑयल, इसमें इसको हम ऑयल में बनाएंगे, और केवड़ा वाटर है। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। देखिए, पतीला रख दिया है गैस के ऊपर, इसमें ऑयल डाल दिया है, ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब इसमें हम ये प्याज डालेंगे फ्राई होने के लिए। देखिए, इसमें प्याज डाल दिए हैं, इसे हमें गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। देखिए, प्याज फ्राई हो गई है, इसको हम निकाल लेंगे। अब इसमें हम ये गर्म मसाला डालेंगे। इसमें काली इलायची और हरी इलायची का मुँह मैंने खोल दिया है, जिससे फ्लेवर इसमें अच्छे से आ जाए ऑयल में। इसको हम बस कुछ सेकंड के लिए फ्राई करेंगे। अब हम इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट डालेंगे, इसे हम बस एक मिनट तक फ्राई करेंगे, जिससे लहसुन और अदरक का कच्चापन निकल जाए। एक मिनट हो चुका है, लहसुन और अदरक फ्राई हो गया है, इसमें चिकन डाल देंगे। इसमें चिकन के हिसाब से हम बस अभी फ़िलहाल नमक डालेंगे, इसे मिक्स करेंगे अच्छे से। तो हाई फ्लेम पे ही हमें फ्राई करेंगे, इसका कलर चेंज होने तक, बस थोड़ा सा ये वाइट पे हो जाए। देखिए, चिकन फ्राई हो गया है, इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब इस स्टेज पर हम और मसाले ऐड करेंगे। इसमें लाल मिर्च पाउडर, टमाटर, हरी मिर्च, दही, गोले का बुरादा यानी कि डेसिकेटेड कोकोनट, और संदल का बुरादा। अगर आपको ये नहीं मिलता मार्केट में तो कोई बात नहीं, वैसे ही ईजिली किसी भी सुपर स्टोर में आसानी से अवेलेबल है। अब इसको हम मिक्स कर लेंगे। अब इसको हम जो है लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे, जिससे हमारे टमाटर, हरी मिर्च सब अच्छे से गल जाए और इसका जो मसाला है वो एक बन जाए। तो इसको हम लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे और चिकन भी हमारा 50% तक कुक हो जाए। ये देखिए, टमाटर ने और दही ने अपना पानी छोड़ा है, इसको हम थोड़ा सा ड्राई कर लेंगे, फिर इसमें हम चावल डालेंगे। देखिए, फ्राई हो गया है, पानी भी थोड़ा सा ड्राई हो गया, बहुत कम पानी रह गया है। अब इसमें हम चावल डालेंगे। देखिए, चावल डाल दिए हम, इसको अब मिक्स करेंगे, जिससे चावल और मसाले अच्छे से एक से मिक्स हो जाएं। अब इसमें हम पानी डाल देंगे, इसमें जो बाकी का बचा हुआ नमक था वो भी डाल देंगे चावलों के हिसाब से। पानी का रेशियो कुछ ऐसा है कि आप जैसे आधा किलो चावल लिया है तो आप उसमें 1 किलो पानी डालिए, लेकिन कुछ चावलों में पानी कम भी डाला जाता है, कुछ में ज़्यादा। तो मेरा जो मुझे मेरी मामा ने सिखाया है, उसका हिसाब ये है कि जैसे आप चावल लेंगे तो उसके ऊपर ऐसे अपनी फिंगर रखिए, और जब ये करीब आधी उंगली आपकी डिप हो जानी चाहिए इसमें, तो इसका मतलब इसका पानी बिल्कुल सही है। देखिए, ये आधी उंगली जो है मेरे चावलों को टच कर रही है, इसका मतलब ये इसका पानी बिल्कुल सही है। अब इसे हम एक बॉईल आने देंगे। देखिए, चावलों में अच्छा सा बॉईल आ चुका है, इसे 2-3 मिनट तक हम ऐसी फुल फ्लेम पे पकाएंगे, उसके बाद फ्लेम को लो कर देंगे। देखिए, 2-3 मिनट हो गए इसे फुल फ्लेम पे पकाते हुए। अब इस फ्लेम को हम लो कर देंगे और इसे कवर करके अच्छे से पकाएंगे। देखिए, इसको हम लो फ्लेम पे ही पक रहा है, इसको एक बार ऐसे हम मिक्स कर देंगे, जिससे चावल नीचे वाले ऊपर और ऊपर वाले नीचे चले जाएं और एक सी कुकिंग हो इसमें।
फ्लेम हमारी बिल्कुल लो पर है। देखिए बिरयानी बिल्कुल रेडी हो गई है, पानी खुश्क हो गया है बिल्कुल। ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए पानी इसमें बिल्कुल भी नहीं है, ये बिल्कुल खुश्क हो गई है। अब बाकी का सामान इसमें हम डाल देंगे। सबसे पहले इसमें हम थोड़ा सा घी डालेंगे, इसके बाद ये केवड़ा वाटर डालेंगे हम। इसे ऑरेंज फूड कलर जो था उसमें भिगो दिया है 1 टेबल स्पून केवड़ा वाटर में। अब इसको हम इसमें भी डाल लेंगे, बस कहीं कहीं इसके ड्रॉप डालेंगे। ये जो प्याज हमने निकाली थी फ्राई करके, इसको हम डाल देंगे इसके ऊपर। अब इसको हम ये कवर कर देंगे इसे, और फ्लेम को अभी हम लो पे कर रखेंगे, इसे हम दम देंगे। तो इसके ऊपर मैंने जो ये चकला था रोटी बनाने वाला, इसको रख दिया है क्योंकि ये भारी होता है और इससे दम आसानी से लग जाएगा, तो इसके ऊपर ये रख दिया है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और तकरीबन 10 मिनट के लिए इसे हम ऐसे ही छोड़ देंगे, जिससे बिरयानी में दम अच्छे से लग जाए और चावल हमारे खिले खिले नज़र आएँ। देखिए 10 मिनट बाद इसको हमने निकाल लिया है, सिर्फ 10 से 15 मिनट के लिए इससे दम दिया में रखा था, और उसके बाद इसे निकाल लिया है, इसे हमने सर्व कर दिया है। थोड़े से जो ब्राउन अनियंस थे उससे इसे गार्निश किया है। देखिए कैसी खिली खिली देर वाली बिल्कुल बिरयानी बिल्कुल रेडी है। इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिए, और आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, और अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।